दोस्तों, वैसे हमारी दुनिया में तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आज जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो है कैंसर। आइए जानते हैं कैंसर मरीज के बाल क्यों काट दिए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो कैंसर मरीज को बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और दर्द से राहत पाने के लिए उन्हें कई प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और दवाइयां दी जाती हैं, और इन दवाइयों के कारण उनके शरीर पर कई साइड इफेक्ट पड़ते हैं जिस कारण उनके बाल झड़ने लगते हैं। इन दवाइयों का सबसे ज्यादा इफेक्ट उनके बालों पर पड़ता है। कीमोथेरेपी कैंसर मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी के जरिए उन कैंसर सेल को नष्ट कर देते हैं। इस थेरेपी में जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उससे बाल झड़ जाते हैं। इसके साथ ही मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनके बालों को काट दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।